नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने देश की राजनीति में विशेष रूप से दो राजनीतिक दलों के आला कमान की प्रकृति और उसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जांजगीर चांपा जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित एक स्थान है वहाँ थे, तो उनकी जो सक्रियता है वो ऐसा लगता है कि काफी उनकी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा है और वो सक्रिय रूप से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आप उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर के मुकाबले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, तो मैं ये मानता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष शशि थरूर को होना चाहिए। मुझे लगता था कि वो युवा हैं और जिस किस्म के मतदाता मंडल को कांग्रेस को संबोधित करना है और राहुल गांधी जिस तरह की कांग्रेस बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस शशि थरूर ज्यादा अच्छी बना पाएंगे। वो अधिक सक्रिय होंगे और उनके प्रति एक युवाओं में एक आकर्षण भी है, और यहाँ तक कि दिल्ली जैसी जगहों में अंग्रेजी बोलने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों के बीच में भी उनकी धाक है। तो अभिजनों से लेकर और निचले तक और सामान्य नौजवानों और प्रौढ़ आयु के लोगों तक शशि थरूर मेरे ख्याल से एक बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते थे। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी ने और गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पीठ पे हाथ रखा और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई थी। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सक्रिय रूप से कांग्रेस के संगठन का कील कांटा दुरुस्त करना शुरू किया, वो जितने भी असंतुष्ट लोग थे, संगठन संबंधी जो झगड़े इतने बड़ी पार्टी में होते ही रहते हैं, जब उन्होंने वो सब निपटाने शुरू किए और जिस कुशलता के साथ उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की आपसी सुर फुटबॉल में एकता कायम की, उससे मुझे लगा कि शायद मैं गलत था और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए एक बेहतर अध्यक्ष साबित होने जा रहे हैं। हम सब लोग जानते थे कि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं सुहाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक में काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन अगर इन दोनों में झगड़ा बना रहता तो निश्चित रूप से भाजपा इस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आगे निकल जाती, और बाद में ऐसा चुनाव के नतीजों में हुआ भी, भाजपा के वोट कम नहीं हुए अगर ये झगड़ा नहीं मिटा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए चुनाव के पहले ही इन दोनों पक्षों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में एकता करा दी, और न केवल पूरे चुनाव में कांग्रेस ने एकताबद्ध रूप में जनता के सामने अपने आप को पेश किया, बल्कि जब कांग्रेस चुनाव जीत गई, पूर्ण बहुमत उसने प्राप्त कर लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जो विवाद हुआ, उस विवाद को निपटाने का श्रेय भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है। और तो और, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसके बाद में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जो परस्पर गुटबाजी थी, उस गुटबाजी के ऊपर उन्होंने रोक लगाई, उसको दोनों जगह अलग अलग किस्म के हल निकाले। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो जूदेव थे उनको भूपेश बघेल सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवाया ताकि वो चुनाव एकताबद्ध हो। टी एस सिंह देव उनको बनाया, और राजस्थान में भले ही वो छत्तीसगढ़ जैसी एकता ना करवा पाए हो, लेकिन कम से कम उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि दोनों पक्ष अपनी अपनी म्याने तलवार में डाल लें, अपनी अपनी तलवार म्यानों में डाल लें। तो इस तरीके से अब आज भी स्थिति यह है कि वो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन संसद में बाकायदा अच्छी खासी बढ़िया हिंदुस्तानी में अपना भाषण देते हैं। पत्रकारों से अगर अंग्रेजी में बात करनी हो तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपनी बात कहते हैं, और कन्नड़ तो उनकी मातृभाषा है ही। अब मैंने सुना है कि वो कोंकणी और मराठी भी बोल लेते हैं, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो आज के जमाने में जबकि ज्यादातर लोग एक भाषी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुभाषी नेता है, और ऐसे बहुभाषी नेता की तो और उनको राजनीतिक तजुर्बा बहुत जबरदस्त है। आपको ध्यान होगा कि वो चूंकि दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनकी बहुत सी बातों का जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा संकोच होता है। कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को दो मुहा सांप कहा, तो अगर और कोई नेता उन्हें दो मुहा सांप कहता प्रधानमंत्री को, तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त हमला होता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भाजपा वाले कोई ज्यादा हमला नहीं कर पाए।
तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए एक वरदान साबित हुए, और उनकी उम्र, उनका अनुभव, विभिन्न भाषाओं पर उनकी पकड़ और कांग्रेस की जो परंपरा और राजनीति है उसमें रचे पगे होने के कारण वो बिल्कुल जो जो जैसा अध्यक्ष कांग्रेस को चाहिए था वो वैसे अध्यक्ष के रूप में अपनी गतिविधि कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस को बहुत लाभ हुआ है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और खड़गे एक दूसरे के अनुपूरक की भूमिका निभा रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी जनता से संपर्क का काम कर रहे हैं और खड़गे संगठन के कार्यों को बेहतर तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस के राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, राहुल गांधी अक्सर अपने वक्तव्यों में ये कहते हैं कि मैं क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है, तो राहुल गांधी मुझे लगता ही है कि वो कांग्रेस के लिए एक कैटलिस्ट की, एक उत्प्रेरक की भूमिका में आना चाहते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं जब चाहता तो प्रधानमंत्री बन जाता, तो उस वक्त उनकी वो राजनीतिक हेकड़ी मानी गई थी और किसी को भी अच्छा नहीं लगा था राहुल गांधी द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना, खासतौर से तब जब उनकी पार्टी का एक प्रधानमंत्री सत्ता में प्रधानमंत्री पद पर बैठा हो, एक वरिष्ठ व्यक्ति। लेकिन अब राहुल गांधी इस तरह की बातें नहीं कहते, वो एक कैटलिस्ट की भूमिका का निर्वाह करना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की भी उनकी कोई दावेदारी नहीं है, पार्टी का अध्यक्ष बनने की भी उनकी दावेदारी नहीं है। और ध्यान कीजिए, जब उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा था 2019 की पराजय के बाद में, तो उन्होंने अपने लिखे हुए लेटर में ये साफ तौर पर कहा था कि अब पार्टी का कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं बनना चाहिए जो गांधी परिवार से हो। वो अपनी जिद पर अंत तक अड़े रहे, उससे कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंततः जो कांग्रेस को अध्यक्ष मिला वो गांधी परिवार से बाहर का ही था, और उसका देर जरूर हुई लेकिन उसका कांग्रेस को अब लाभ हो रहा है। और राहुल गांधी और खड़गे की जोड़ी जो है वो जोड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कांग्रेस के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। वो कितने सफल होंगे, क्या सफल होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत से टकरा पाएंगे कि नहीं टकरा पाएंगे, वो पलट पाएंगे कि नहीं पलट पाएंगे, विपक्ष की एकता कितनी कायम रहेगी, क्या नहीं कायम रहेगी, ये सब तो भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो हमें आज की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि ये जोड़ी कांग्रेस के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है, कांग्रेस आला कमान। तो कांग्रेस आला कमान शब्द से क्या हमें खड़गे के बारे में सोचना चाहिए या राहुल गांधी के बारे में सोचना चाहिए या कांग्रेस कार्य समिति के बारे में? मैं समझता हूँ कांग्रेस आला कमान 4 सदस्यीय है। कांग्रेस कार्य समिति तो बहुत बड़ी है, तो बहुत लोग, 4 सदस्यीय कांग्रेस। सोनिया गांधी अभी भी सोनिया गांधी आला कमान में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करती हैं, भले ही उनके वक्तव्य ना आते हो। अभी आपने देखा होगा कि जब बंगलोर में विपक्षी एकता का सवाल हुआ तो सोनिया गांधी आगे खड़ी थी, बाकी सब लोग कतार बांध के उनके पीछे खड़े थे, और सोनिया गांधी के पीछे जो व्यक्ति खड़ा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी तो उनके भी पीछे खड़े थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 4 लोग मिलकर कांग्रेस का आला कमान बनाते हैं। और मेरे ख्याल से इन 4 लोगों की जो ड्यूटियां हैं वो भी आपस में बटी हुई हैं, तो और वो कोई ऐसा घोषित मामला नहीं है कि ये इसके जिम्मे है, ये उसके जिम्मे है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का सांगठनिक काम पहले के मुकाबले काफी कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर हम कांग्रेस के आला कमान की तुलना भाजपा के आला कमान से करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 3 लोगों से मिलकर बनता है या उसमें सिर्फ 2 लोग हैं और नड्डा की भूमिका काफी सीमित है? अब नड्डा की भूमिका को कैसे देखते हैं भाजपा अध्यक्ष के रूप में? देखिए, नड्डा, जब जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था तो मुझे नहीं पता था कि जगत प्रकाश नड्डा अमित शाह का जो एक प्रभावी व्यक्तित्व है भाजपा के अंदर, और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावी है ही, वो तो नंबर 1 पे है ही, तो वो इन दोनों के साये में कैसे काम करेंगे। मुझे याद पड़ता है जब 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनावी मुहिम चल रही थी तो नड्डा जी को एक पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा दिया गया था कि वे उस हिस्से में चुनावी मुहिम का नेतृत्व करेंगे, और उन्होंने बहुत ही खूबी और परिश्रम के साथ उस इलाके में चुनावी मुहिम का नेतृत्व किया। उसके बाद भाजपा चुनाव जीत गई, और जब चुनाव जीत के उत्सव शुरू हुए तो उस उत्सव में जिसमें आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री घोषित किया गया,
और जब वो उत्सव हुआ जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और सभी लोग मौजूद थे, इसके अंदर अमित शाह भी मौजूद थे, तो उस पूरे उत्सव को मैंने एक टीवी चैनल पर बैठकर ध्यान से देखा और उस पर टीका टिप्पणियां की। वो करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे तक चलने वाला कार्यक्रम था और उस पूरे कार्यक्रम में किसी ने फूटे मुंह से जगत प्रकाश नड्डा को एक बधाई भी नहीं दी। प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्त, वो सब रिकॉर्ड पे है, प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में उनका नाम नहीं लिया, अमित शाह ने भी अपने वक्तव्य में उनका नाम नहीं लिया, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री और वही होने वाले मुख्यमंत्री थे आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी उनके वक्तव्य का उनका नाम नहीं लिया, किसी ने उनको बधाई तक नहीं दी, उन्हें याद तक नहीं किया गया। एक बार पीछे स्क्रीन पर एक तस्वीर जरूर आई उनकी, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम में जगत प्रकाश नड्डा होते हुए भी अनुपस्थित थे। तो ये इससे लगता है कि उनकी हैसियत उतनी मजबूत और स्वायत्त नहीं है जितनी मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस में है। अगर हम इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाऊं, तो अगर एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट या लोकतांत्रिक तत्व आला कमान में कहें, तो क्या वो कांग्रेस में ज्यादा दिखता है या भाजपा में, किसको हम ज्यादा आगे रख सकते? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो आला कमान वाली पद्धति है पार्टी चलाने वाली, वो तो बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक है ही नहीं। मतलब उसको ये मानना कि अगर कोई किसी पार्टी में कोई आला कमान है, यानी आला कमान का मतलब ये होता है कुछ ऐसे नेता जो बहुत ही शीर्ष और शक्तिशाली हैं और उनको चुना भी नहीं जाता। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी में जो आला कमान होता है, यानी कि पोलिट ब्यूरो, वो बाकायदा सेंट्रल कमेटी के अंदर से एक चुनी हुई संस्था होती है। पहले एक केंद्रीय समिति होती है और उस केंद्रीय समिति के अंदर से एक पोलिट ब्यूरो चुना जाता है और वो एक जनरल सेक्रेटरी उस पोलिट ब्यूरो का नेतृत्व करता है। तो वो बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का संविधानगत एक ढांचा है। आला कमान या हाई कमान तो किसी पार्टी के संविधान में लिखा नहीं होता। ये तो अपने आप में ही एक अलोकतांत्रिक तरीका है, पार्टी में अधिकारों के केंद्रीकरण का एक तरीका है। इससे क्या होता है कि इससे निर्णय लेने में तो सुविधा होती है, लेकिन आप इसको पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का नमूना नहीं मान सकते। हम केवल विभिन्न आला कमानों में इस आधार पर तुलना कर सकते हैं कि कौन सा आला कमान ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी है, कौन सा आला कमान अधिक लोकतांत्रिक है। इस आधार पे हम उसकी वो नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो राहुल गांधी के पास कांग्रेस में कौन सा पद है चुना हुआ, या मान लीजिए सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी के पास कांग्रेस में कौन सा पद है? लोगों को पद हो सकता है उनको हो, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है कि उनके पास कौन सा पद है। उनको, उन लोगों को नेता बने रहने के लिए और अपनी छाप पार्टी के ऊपर छोड़ने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी स्थिति बताती है कि मुख्य तौर पर जो आला कमान संस्कृति है, हाई कमान कल्चर पार्टी का जो एक संविधान सम्मत आंतरिक लोकतंत्र होता है, यह दरअसल उसके खिलाफ जाता है। हाँ, अगर दोनों भाजपा और कांग्रेस के आला कमानों की आप आपस में तुलना करें तो कुछ बातें निकल के आ सकती हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कांग्रेस की आला कमान से अधिक शक्तिशाली और प्रभावी है। अगर उसकी बात का कोई नेता उल्लंघन करता है तो उसको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस में आला कमान अभी उतना शक्तिशाली और प्रभावी नहीं है जितना भाजपा का है। लेकिन पिछले दिनों एक और नई बात सामने आई है। पिछले दिनों भाजपा के आला कमान के जो फतवे थे या उनके जो आदेश होते थे या उनकी जो इच्छा थी, उस इच्छा का बड़े पैमाने पर उल्लंघन देखा गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भाजपा का आला कमान तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी के अंदर, पार्टी के विभिन्न गुटों में एकता नहीं कर पाया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने करके दिखा दी। और सब लोग जानते हैं, भाजपा के समर्थक भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश भाजपा की आपसी हारने में भाजपा की आपसी सिर्फ फुटबॉल का भी हाथ था, और भी कई कारण थे, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण हाथ था। हालत ये थी कि जो बागी उम्मीदवार खड़े थे, खुद प्रधानमंत्री ने फोन कर करके उनसे कहा, तो कुछ बागी उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री तक की बात नहीं मानी। तो अब बताइए, इतना ताकतवर आला कमान है और उसकी बात कोई मान नहीं रहा है और पार्टी चुनाव हारे जा रही है। उसके बाद में कर्नाटक में येदियुरप्पा की हस्ती ने तो भाजपा आला कमान की बात इस चुनाव में क्या कभी भी किसी चुनाव में नहीं मानी। आज तक येदियुरप्पा को नकेल डालने में भाजपा का आला कमान ना नरेंद्र मोदी से पहले का और ना बाद में कभी कामयाबी नहीं हो पाया। तो ये एक समस्या है बहुत। जैसे कि भाजपा का आला कमान नहीं चाहता था कि शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दोबारा उम्मीदवार बने, वो एक तरह से हटाने की कुछ तिकड़में भी की गई वहां पर, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह जमे रहे, जो भाजपा का आला कमान उनको नहीं हटा पाया। अभी राजस्थान में जो भाजपा की जो भाजपा का जो गृह युद्ध है, उस गृह युद्ध में भाजपा अभी तक वसुंधरा राजे से नहीं, भाजपा का आला कमान वसुंधरा राजे से नहीं निपट पाया है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत में और पायलट के बीच में एक तरह से लड़ाई युद्ध विराम करा दिया। अगर एकता नहीं है तो कम से कम युद्ध विराम तो करा ही दिया। तो हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि भाजपा का आलाकमान अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, लेकिन ये उतना शक्तिशाली नहीं है जितना उसका प्रचार किया जाता है। क्योंकि ये कई मैंने उदाहरण दिए जहां पर वो भाजपा की आपसी गुटबाजी और कलह दूर करने में नाकाम हो रहा और इसलिए भाजपा को उससे नुकसान भी उठाना पड़ा। राजनीतिक विज्ञान में एक रॉबर्ट मिचेल्स की एक अवधारणा आती है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, यानी कि गुटतंत्र का लॉ नियम, जिसमें वो कहते हैं कि हर संगठन में आखिरकार कुछ लोग ही होते हैं जो निर्णय लेते हैं। तो शायद हम आला कमान परिघटना को भूसे का नतीजा मान सकते हैं, और क्या हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो थोड़ा लोकतांत्रिक हो? इससे ये ठीक है कि कोई भी लोकतंत्र जो है वो अपने केंद्र के बिना सफल नहीं होता, अराजकता में बदल जाता है। इसीलिए एक कम्युनिस्टों ने एक लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सिद्धांत चलाया था, जिसमें अंततः होता ये था कि वो सेंट्रलिज्म ज्यादा हो जाता था, डेमोक्रेसी उसमें रहती नहीं थी। अच्छा, जो कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं हैं, जो गैर कम्युनिस्ट दल हैं, वो भी अघोषित रूप से डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के नियम पर ही चलते हैं। मैं समझना ये चाहता हूं कि आखिरकार क्यों वो अपने उसको एक संविधान सम्मत चुना हुआ रूप क्यों नहीं दे पाते। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, वो आमतौर पर अध्यक्ष का नाम अचानक प्रकट होता है और मोटे तौर पर सर्वसम्मति से सब जगह से नॉमिनेशन आ जाता है एक ही व्यक्ति के लिए, सभी जितने भी प्रादेशिक इकाइयां हैं और वो सारी इकाइयां एक ही व्यक्ति के लिए नॉमिनेशन दे देती हैं और वो व्यक्ति सर्वसम्मत से पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब भी ऐसा ही हुआ था, जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बने तब भी ऐसा हुआ था और अतीत में भी ऐसा ही होता रहा। जब अटल बिहारी पार्टी के अध्यक्ष से हटे 80 के दशक में, आडवाणी बने तब भी ऐसा ही हुआ था। तो भाजपा ने अभी तक लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुनने का एक भी नमूना नहीं पेश कर पाया। किसी की हिम्मत ही नहीं होती उस व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा होने की, जबकि इस तरह की हिम्मत आमतौर पर एक आध बार कुछ बार कांग्रेस में जरूर हुई है, लेकिन भाजपा में नहीं होती है कभी भी। कांग्रेस में भी जब हिम्मत होती है तो वो बिल्कुल तिनके की तरह वो उम्मीदवार हवा में उड़ जाता है। तो इस तरह का माहौल है पार्टी के अंदर कि जो खड़ा होता है उसको माना जाता है कि तो रंग में भंग कर रहा है, तो सब लोग उसको सबक सिखाने में जुट जाते हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि पार्टी में एक सुपरिभाषित केंद्र होना चाहिए जिसका फैसला सरपंच की तरह काम करे, इसका फैसला सब लोग माने आखिरकार, जहां कहीं झगड़ा हो तो उसके पास दोनों तीनों पक्ष जाएं और वो जो तय कर दे उसको मान के बाद चले आए। तो बिना इसके संगठन चलेगा नहीं, बिखर जाएगा और संगठन की प्रगति रुक जाएगी। लेकिन क्यों ना उस जो एक केंद्र है उस केंद्र को एक संविधान सम्मत रूप क्यों ना दिया जाए और वो संविधान सम्मत रूप से आचरण करे और थोड़े समय बाद उसको बदला भी जाए, उसके अंदर नए लोग आए। ऐसा ना हो कि हमेशा एक दो तीन लोग ही उसमें बने रहे 10 साल 20 साल 30 साल तक वही बने रहे। वैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले अटल आडवाणी ही वही आला कमान होता था, बाकी सारे लोग, हालांकि इन दोनों का रुतबा इतना था पार्टी में कि एक बार प्रबोध महाजन ने कहा था कि आडवाणी जी अटल जी का फोन जब आता था तो हम लोग कुर्सी से खड़े होकर फोन पे बात करते थे उनसे, वो सामने नहीं होते थे तब भी वो लोग खड़े हो जाते थे, इतना रुतबा था उन लोगों का। इसको आप सम्मान भी कह सकते हैं और आला कमान का रुतबा, आला कमान वाद भी कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से आप देखिए उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जमे हुए हैं और वो पार्टी अध्यक्ष है, उसको उन्होंने बिल्कुल ढक्कन बना रखा है। तो ये जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए और शीर्ष नेतृत्व में नए नए चेहरों नई नई शक्तियों का आगमन करने के लिए दरवाजे खोलने का एक तरीका बनाना चाहिए ताकि ये लगे कि नए नेतृत्व का भी स्वागत है, वो भी निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में, शीर्ष निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में भागीदारी कर सकता है। तो ये जो आला कमान की संस्कृति है उसके लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता पर अभय कुमार दुबे जी ने भी इस पर जोर दिया।
और निश्चित रूप से ये देश की लोकतंत्र के रास्ते पर और ज्यादा आगे ले आ सकता है। आज की इस बातचीत को हम यही विराम देते हैं और हम कल के अंक में मिलेंगे और देश की राजनीति के अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।